यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट इज द प्रेजेंटेशन, is a presentation of clash of two civilization, Africans and British. What is your assessment? Give a comprehensive detail of the conflict between the tradition and change in the novel. अब यहाँ पे देखें, first paragraph tradition and change. अभी ये मेरी किताब ना साफ होके आपके सामने आई हुई है. अगर ये आपको रियल में मिल जाए तो आप कहेंगे मैम की किताब बड़ी गंदी है. ये देखें, आपको मैं कहती हूँ ना हाईलाइट किया करें. यहाँ पे देखें, मैंने यूरोपियंस को, नाइजीरिया, ब्रिटिश, अफ्रीका. अब देखें यूरोपियंस किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, यूरोपियंस और ब्रिटिश एक ही चीज है. आप सोच रहे होंगे मैम कभी यूरोपियंस बोलती हैं, कभी ब्रिटिश बोलती हैं, कभी नाइजीरिया बोलते हैं, कभी अफ्रीका बोलती हैं. यूरोपियंस और ब्रिटिश एक ही चीज है, ठीक है? आप ऐसे समझ लें एक ही चीज के दो नाम है. अच्छा, उसके बाद नाइजीरिया और अफ्रीका एक ही चीज, एक ही लैंड का नाम है, एक ही प्लेस का नाम हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, फिर उसके बाद है एशीबी जो है उसका बैकग्राउंड आपने देना कि भाई उसने कहाँ पे आंख खोली. वो नाइजीरिया में ही पैदा हुआ था और फिर वो मजीद पढ़ने के लिए वो बाहर चला गया था, यूरोप में चला गया था. ठीक है. और यहाँ पे देखें, इन 1950 एशीबी वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नाइजीरियन लिटरेरी मोमेंट. इसने नाइजीरियन लिटरेरी मोमेंट का फाउंडर था ये, क्योंकि इससे पहले जितनी भी थी, अभी हमने पढ़ा था ना पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जी हार्ट तो ये जो है थिंग्स ऑल अपार्ट जो है वो एशीबी ने हार्ट ऑफ डार्कनेस के रिस्पांस में लिखी थी. तो देखें यहाँ पे वो पॉइंट भी आ गया कि इन 1950s एशीबी वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नाइजीरियन लिटरेरी मूवमेंट. 1959 ही ब्रॉट आउट थिंग्स फॉल अपार्ट इन रिस्पांस टू नॉवल सच एज जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ द डार्कनेस दैट ट्रीट अफ्रीका एज एन एंटीडिविलियन एंड कल्चरलेस फॉयल फॉर यूरोपियन. एंटी डिविलियन कहते हैं अनसिविलाइज्ड को, एंशिएंट को, प्राइमेटिव को. यहाँ पे देखिए, आपने नोट किया मैंने ये एंजेलिस्ट के तीन तीन मीनिंग्स लिखे हुए हैं. यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंडिविलियन के साथ अनसिविलाइज्ड, एंशिएंट, प्राइमेटिव. वहां जाके आपको एंटी डिविलियन ना याद आया फिर क्या करेंगे, और साथ आपने मीनिंग्स भी ना लिखे हुए फिर. तो बेटा मीनिंग्स लिखा करें. यहाँ पे देखें ऑटोस्थोन्स के साथ मैंने लिखा हुआ नेटिव, डोमेस्टिक, आई थिंक एबोरिजिनल लिखा हुआ या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल लिखा हुआ, ठीक है. तो इस तरह के 3 to 5 मीनिंग्स लिखा करें. यहाँ पे देखें मैंने फिर 4 मीनिंग्स लिखे हुए हैं. इससे एक तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी और दूसरा आपको पता चलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहां जाके आपको कोई साइन कराने आ गया आपके पास पेपर शीट के ऊपर और आपको वर्ड ना याद आ रहा हो तो कोई आसान वर्ड लिख दीजिएगा. इसके अलावा यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे ना, अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे ट्रीट अफ्रीकन एज एन एंटीडिविलियन, अनसिविलाइज्ड, एंशियंट, प्राइमेटिव एंड कल्चरलेस. तो कितना स्ट्रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है. और जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला होगा, वो भी कहेगा वाह भाई क्या वोकैबुलरी है स्टूडेंट की, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखती है ये खातून, ठीक है. तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मैटर करता है. जरूरी नहीं होता ये जाके छाप के आ जाना है. अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करें. अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है. सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा चाहे जितने मर्जी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, आपके नंबर नहीं आने वाले, ठीक है. तो इस चीज को थोड़ा सा आप कल को अगर आप पीएचडी करते हैं, आप एमफिल करते हैं, थीसिस लिखना पड़ गया तो बेटा आप लोगों के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाके क्या थीसिस लिखने हैं आप लोगों ने. आगे देखें फिर यहाँ पे, अब देखिए दीज आर माय एक्सपीरियंसेस जो अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि दीज आर द शॉर्ट कट्स जिसके जरिए आप एक अच्छा क्वेश्चन उसका प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट इज सेट इन 1890s एंड पोर्ट्रेट द क्लैश बिटवीन नाइजीरियाज वाइट कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द कन्वेंशनल कल्चर ऑफ इंडिजीनियस आइबो पीपल, ठीक है. अब अगेन यहाँ पे रेसिज्म आ रहा है, ठीक है, कि वो जो है नाइजीरियन वाइट कॉलोनियल गवर्नमेंट और इंडिजीनियस आइबो पीपल, इनके कल्चर के दरमियान जो क्लैश था उसको पोर्ट्रे करता है. ओरल राइट्स फ्रॉम इंटीजरल पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल इन अफ्रीका एज एल्सवेयर ओरल ट्रेडिशन रुमिनेट, रुमिनेट रिवॉल्व करना, टर्न होना द पीपल्स वे ऑफ लाइफ
truth. Things fall apart in Yomofian clan. Achebe exhibits the varying interpretations to us of variety clash between traditions and change, and language as a hallmark of cultural difference. Yomofian clan stands for the whole Nigerian society. Or Yomofian clan kisko symbolize kar raha tha? Whole Nigerian society ko. Aur yahan pe dekhe, things fall apart is trisected equally. Trisect karna, kisi cheez ke sections kar dena, kisi section, ek things fall apart ko three sections ke andar divide kar diya gaya. Part one, the most prolix means lengthy. Of three, tell us of the unspoiled normal life of Yomofia. Abhi ek question aapko bataya tha ki kyun Chinua Achebe ne jo hai third last part ke andar ja ke jo hai usne show kiya tha is culture ko, aur usne jo hai first three parts ke andar, first two parts ke andar, first three parts mein even nahi show kiya tha, balki usne third last part ke andar ja ke isko show kiya tha. To why usne is tarah kyun kiya tha? Yahan pe dekhe, ek question maine aapko abhi likhwaya tha, ek minute. Ek to beta things fall apart and shows colonial arrival in Nigeria in different ways maine aapko karwaya tha. Dusra tha question likh le yahan pe, why does Achebe choose to bring in the European colonial presence only in the last third of the novel? Kyun last third ke andar? Ab dekhe isko three, aap wahan pe yahi answer likhenge ki ji trisected equally usko trisect kiya gaya tha. First part jo tha wo most lengthy part tha, jiske andar unspoiled normal life of Yomofia people jo hai wo show ki gayi thi before the advent of the white man. Ke white man ke aane se pehle wo bechare pursukoon life guzar rahe the. In the center of the story is Okonkwo, the hero of the novel. In the very simple language and bombastic style, the author shows the reader the solidarity of the Yomofia clan as deeply ingrained in traditional institutions. In this part, we are made known that Yunoka Okonkwo's father is a luxurious, lazy, and spendthrift. फजूल खर्च इंसान था, केयरलेसली मनी जो है वो स्पेंड कर देता था, एंड थ्रिफ्ट एक्टर, और वो बहुत ज्यादा कर्ज मकरूज इंसान था. Okonkwo consider him a loser and fear to do what his father has done. We also realize that Okonkwo is rash and brutal. We also perceive that Okonkwo is lover of wrestling and it is also the leading support in Yomofia. The Egwu who have important and momentous part to play in the life of people. The institutions of the marriage and title taking are entrenched as the custom of the people, and the arrival and his arrival of Yam festival brings special jubilation, festivity, happiness, joy. Unke festivals, theek hai, uske andar wo jo hai special jubilations, yani ki special happiness wo manate the. By the side of these splendid facets of Yomofian life, splendid facets, dark as well. मतलब ये अब यहाँ पे हम देखेंगे इस उसके अंदर के इतने splendid facets के साथ उसके कुछ dark aspects भी थे. Now there is the compare and contrast start होने लगा है इस tradition का. एक question अभी हमने पढ़ा था कि इन festival के dark aspects क्या होते हैं जो इन्होंने इतने सारे gods and goddesses बनाए हुए थे, उसके dark aspects क्या थे? There was still the ritual killing to satisfy the oracle demands. In the second part of the novel, two things stand out clearly and distinctively. Okonkwo 7 years of exodus kehte hain jila watan kar dena, nikal dena from the village as a result of accidental killing of the leader's son, and the other thing is the advent of the British in the Igbo land. ये जो कल्चर था ना इनका, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे उसकी वजह से क्या हुआ, वो कल्चर वीक होना शुरू हुआ. और जब एक कौम जो है कमजोर होना शुरू होती है तो क्या होता है, हजुर में ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफा जा. ठीक है, तो एक Okonkwo को निकालने के बाद जो है ब्रिटिश जो है उस आइबो लैंड के अंदर आए, उन्होंने देखा कि भाई इस दर तो ये कुछ भी हो रहा है, तो वो यहाँ पे आ गए. बोथ इवेंट्स हैव द कैटास्ट्रोफिक aftermath on the hero. और इसके जो है कुछ after effects हुए उस हीरो के ऊपर, बुरे effects हुए. अबैम विलेज इज एक्सटर्मिनेटेड बाय
white men. ठीक है, और एक जो बैम विलेज है वो जो है एक्सटर्मिनेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, किसकी वजह से? व्हाइट मैन की वजह से. द व्हाइट मिशनरीज एंड देयर अफ्रीकन एलाइज मेक इनरोड्स इनटू थियोलॉजिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द क्रैन. उन्होंने क्या किया? मेक इनरोड्स, उन्होंने इंटरफेयर किया. उन्होंने किस चीज को इंटरफेयर किया? किस चीज पे? उन्होंने उनके थियोलॉजिकल यानी कि उनके रिलीजियस और सोशल लाइफ को उन्होंने क्लैन की, उनके इनरोड्स बनाए. ठीक है, विद फेटल आफ्टर इफेक्ट एट लीस्ट एज अकॉन को बिलीव टू अकॉन को ओन स्टेजरिंग डिसअपॉइंटमेंट हिज सन नॉय इज कैप्चर्ड बाय एन एबोमिनेबल गैंग कॉल्ड क्रिश्चियन. ठीक है, उसका अपना जो बेटा है वो एक एबोमिनेबल गैंग जिनको क्रिश्चियंस कहते थे वो लोग. अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ्रोसेंट्रिक व्यू आ रहा है अबाउट द क्रिश्चियंस और अबाउट द व्हाइट मैन. वो लोग क्रिश्चियंस को क्या कहते थे? एबोमिनेबल गैंग. ठीक है, वो उसको एबोमिनेबल गैंग कहते थे. अगेन देयर इज अ रेसिज्म शोज हियर शोइंग हियर एट द लास्ट ब्रेथ्स ऑफ दिस पार्ट वी सी मैनिफेस्ट that Okonkwo is being obsessed by the belief that the white man with his religion has come to undermine family solidarity. Okonkwo jo hai wo is being obsessed by the belief, wo is belief ki wajah se, Okonkwo jo hai wo bhi is belief se obsessed hua ki ye jo white man hai with his religion apne religion ke sath aaye, has come to undermine family, ki uski family ko, फैमिली यूनिटी को, सॉलिडरिटी यानी कि उसकी फैमिली यूनिटी को उन्होंने ब्रेक किया, डिस्ट्रॉय किया एंड दिस इंटीग्रेट्स द क्लैन. और उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, रोमिनेट कर दिया, कोलैप्स कर दिया द क्लैंस को एंड द ओकोनकोस इनसिपिएंट फेलियर एट विटनेस्ड हीरो. और उसका ओकोनको की अनडेवलप्ड फेलियर जो थी वो यहाँ पे एज विटनेस हियर, जो कि यहाँ पे विटनेस है टू गेट अडॉप्टेड टू द न्यू इरेस्टिबल एंड ओवरवेलमिंग एज अगेन मार्क्स अ ज्यूडिशियस पॉइंट ऑन द हीरोज मार्च टू ट्रेजेडी. और इसकी वजह से अगेन जो है उसका एक उसको मार्क कर दिया गया एज अ ज्यूडिशियस पॉइंट इन द हीरोज मार्च टू ट्रेजेडी. और हीरो ने किस तरफ को मार्च किया? टूवर्ड्स अ ट्रेजेडी. इन द थर्ड पार्ट ऑफ द नॉवल आ गया ना फिर आंसर उसका कि क्यों उसने थर्ड पार्ट ऑफ द नॉवल के अंदर जो है इसको शो किया था. Why Achebe choose to bring in European colonial presence in the last third of the novel. अब थर्ड पार्ट को जरा गौर से देखिएगा. अगर इस तरह से पार्ट के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन तो कम अज कम आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्या शो किया था, सेकेंड पार्ट के अंदर उसने क्या शो किया था. Now what is he showing in the third part of the novel? Third part of the novel में क्या हुआ था? Okonkwo exile के बाद वापस आया था Umofia में. Okonkwo returns to Umofia after bearing his banishment. ठीक है, अपनी exile को bear करने के बाद वो वापस आया. He has lost all his pre-exile prestige. Pragmatically, evangelical education seems to have changed the basis of fidelity. Hero worship has dwindled. While persons previously regarded as the most revered in the society, including the Osu, have been thrust into sudden prominence. This disturbance of the social balance partially explains why Okonkwo returns to Umofia, and this is an enormous jolt to his pride. और ये उसका enormous jolt था जो कि उसको pride, उसके झटका लगा उसके pride को. Two kinds of missionaries have stepped on his land, namely Mr. Brown and his policy of compromise. अब ये सब third part के अंदर हुआ था कि दो missionaries आए थे, एक Mr. Brown था और दूसरा कौन था? Reverend James Smith and tenacious Reverend James Smith. The first Mr. Brown is mind-blowing missionary under whom the preaching of Christian doctrine makes good progress, followed by Reverend James Smith, whose unbending view of the religion which wreak havoc on progress made under Mr. Brown. In the meantime, a new system of administration and justice has been installed under the white man. But Okonkwo, being the hero of the novel and representative of Nigerian society, cannot harmonize with the new era in the head. Lekin Okonkwo jo hai, jo ke novel hero tha, novel ka, aur represent kar raha tha Nigerian society ko,
वो जो है हार्मोनाइज नहीं कर सका इस न्यू इरा इन हिज हेड, इस न्यू इरा को, इस न्यू चेंज को, इस न्यू रिलीजन को वो हजम नहीं कर सका. दिस फ्रेम ऑफ माइंड मेक इट प्रोबेबल, और इसकी वजह से उसका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो क्या हुआ, उसके लिए प्रोबेबल हो गया फॉर हिम टू कंपेल्ड बाय टू कमिट एन अदर मर्डर, और जिसकी वजह से उसने एक और मर्डर कर दिया अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ही वुड हैव टू बी पब्लिकली एग्जीक्यूटेड बाय शूज दिस डिसग्रेस बाय सेंडिंग हिमसेल्फ टू द गैलो. और उसने जो है अपनी डिसग्रेस से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप को जो है उसने अपने आप को सेंडिंग हिम टू गैलोस के वो उसको फांसी दे देंगे, उससे बचने के लिए कि उसको पब्लिकली फांसी दी जाएगी, तो उससे बचने के लिए उसने अपने आप का मर्डर कर लिया, उसने सुसाइड कर ली. द कमिटमेंट ऑफ फिलो डी से सुसाइड कहा जाता था इसको नाइजीरिया में, आइबो सोसाइटी में इसको फिलो डी से कहा जाता था सुसाइड को. By Okonkwo evinces the discontentment of Nigerian people and of novelist himself with the apex of British. अब जो है ये क्या शो कर रही थी, ये किस चीज का प्रूफ था कि Nigerian people की discontentment, उनकी dissatisfaction, उनकी irritation और people and the novelist himself, और people और novelist की अपनी dissatisfaction थी with the apex, with the peak, with the angle of British. In the clash of tradition and change, the tradition had to be eradicated. ठीक है, clash में tradition और change का जब भी clash होता है तो traditions जो हैं वो destroy होती हैं and Nigeria became a colony of Europe. और इस तरह से Nigeria जो है वो colony बन गया किसका, Europe का, Europe की colony बन गया, यानी कि Europe ने finally Nigeria को colonize कर दिया. देखिए कितना ये मैंने red highlight क्यों किया हुआ, that is the main point. मेन थीम कि जब भी क्लैश होगा ट्रेडिशन का तो और चेंज का तो कौन जीतेगा, चेंज जीत जाएगा, ट्रेडिशन हार जाएगी, ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी. थिंग्स फॉल अपार्ट व्हेन दे हैव क्लैश विद देयर ऑपोजिशन. द नॉवल डिस्क्राइब्स अ प्रीसेट आइबो सोसाइटी विद इट्स राइट्स रिचुअल वेल रिस्पेक्टेड. द वाइट मैन इंट्रूड इन दिस सोसाइटी एंड कॉज ग्रेट डिसलोकेशन इन द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ पीपल एज द रिजल्ट ऑफ द डिसलोकेशन. Several changes occur. इस dislocation की वजह से several changes occur हुई. Father and son fall apart. बाप बेटा एक दूसरे से दूर हो गए. As we can see in the breakaway of Noy from his father at his sermon into Christianity. जैसे Noy जो है वो अपने बाप से दूर हो गया जब उसके at his sermon into Christianity, जब उसने Christianity जो है वो कबूल की. Secondly, customs also change. Customs traditions भी चेंज होती हैं. The newly converted Christians repudiate most of the laws and customs of the land. अब वो जब कस्टम, देखिए जो newly converted Christians होते हैं, हम देखिए हम लोग बड़े सगीर में रहे हैं ना, हम लोग converted Muslims हैं. तो हम mostly जो हम लोगों की अगर आप आबाव अजदाद देखें तो क्योंकि हम Indians थे, हम बड़े सगीर में रहते थे, तो वहां पे जितने भी Muslims हैं वो सब converted थे. तो क्या हुआ कि जब वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में तो क्या हुआ कि लॉज और कस्टम्स तो वो लैंड के ही फॉलो करते थे, वैसे वो क्रिश्चियन बन गए थे, लेकिन वो अपने कस्टम और लॉज को जो कि वहां के, वो इसी वजह से हमारी बहुत सारी फैमिलीज में ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो कि इंडियंस फॉलो करते थे और वो हमारी फैमिलीज में, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स. ठीक है, द ज़ीलस क्रिश्चियंस इज एलीग्ड टू हैव एसेसिनेटेड. जारी बात है जो कन्वर्ट होता है वो एकदम से तो चेंज नहीं होता ना, सिर्फ एक लाइक कलमा पढ़ लेने से या सरमन पे जो सरमन जो है क्रिश्चियन का वो कर लेने से आपको पूरे मजहब का, मजहब की तो समझ नहीं आ जाएगी. ठीक है, उसके लिए तो बाकायदा आपको रिलीजन स्टडी करना पड़ेगा. तो अ ज़ीलस क्रिश्चियन इज एलीग्ड टू हैव एसेसिनेटेड, तो एक ज़ीलस क्रिश्चियन जो है उसको असैसिनेट किया गया. द रॉयल पैथन इन एम्बांटा एंड इनोच अनमास्क एंड एग्वुफु इन यूमोफिया. दीज क्रिश्चियंस नाउ गिव देयर रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो क्रिश्चियंस थे, अब ये जो क्रिश्चियंस थे इनको असैसिनेट किया गया, किसमें, द रॉयल, उनको जगह दी गई रॉयल पैथन इन एम्बांटा, एम्बांटा में और इनोच में, ये वही कबाइलों के कबाइल हैं. And Enoch unmasked and Egwufu in Yumovia, और उनको Egwufu की जगह दी गई. ये जो Christians थे
जो कि कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे उनको इनकी जगह दे दी गई. दीज क्रिश्चियंस नाउ गिव देयर रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद है द पीपल देमसेल्व्स चेंज देयर बॉन्ड्स विद ईच अदर एंड आर नो लॉन्गर एबल टू एक्ट एज वन. दे नॉक बैक टू मूव फ्रीली विद देयर क्लैंसमैन हु आर आउटसाइड द चर्च. Such Christians and their traditions gods fall apart. The men now tread on the heels of the white man's god. Those who are not yet converted into Christians are inclined to Christianity. जो Christians convert नहीं भी हुए थे ना, वो भी inclined हो गए, उनका एक soft corner बन गया Christianity की तरफ कि शायद उनका जो मजहब है या उनके जो rituals हैं, वो जो हैं शायद brutal हैं और ये जो Christians हैं they are what. When Okon को murder था. District commissioner's head messenger, he hopes that his clansmen will rise on his side, but no one offers the least help, so he hangs himself. अब क्योंकि उनका वो Christianity की तरफ inclined हो गया था, तो Okonkwo ने ये सोच के district commissioner का murder कर दिया था, district commissioner के messenger का murder कर दिया था कि शायद उसके जो लोग हैं ना वो उसकी खातिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो Okonkwo ने अपने आप को हैंग कर दिया, क्योंकि वो सब जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ इंक्लाइन कहीं ना कहीं हो गए थे. द फोर्स बिहाइंड द व्हाइट मैन्स गवर्नमेंट एंड द रिलीजन टेंड्स टू चेंज द पीपल फर्दर. देयर इज अ स्पैस्मोडिक हैंगिंग एज वन कैन सी इन द केस ऑफ एनेक्स. नो वन इन अ फिट स्टेट टू हेल्प दोज बीइंग सेट टू गिबिट. द लीडर्स ऑफ यूमोफिया आर पुट बिहाइंड the bars. This thing envenom the leaders of Eumophia because their people have neglected them. The extirpatio of Abam has struck all other religions into significance. There is neither unity nor inter-frail solidarity. The brief reference to Joseph Conrad's Heart of Darkness in this concern makes more lucid the European imperialism in Africa or clash between tradition and change. In Heart of Darkness, Conrad brings before us the nature of Western superiority in primitive land. Ek question aaya tha na? What is the compare and contrast nature and civilization? Ye wohi nature hai. Nature of Western superiority in primitive lands. British come to Africa to spread civilization. As it is their head act, ठीक है, जैसे ये उनका सर का दर्द हो कि जी उन्होंने ही पूरी दुनिया में शायद सिविलाइजेशन फैलानी है. This thing manifests the extreme influence of imperialism on the preset ideas of Africans as they are not ready to get rid of it. और ये जो है ये things जो है manifest की गई the extreme influence of imperialism on the preset ideas of Africans. Africans के preset ideas पहले उनको imperialistic nations को बनाया गया था, उनका mind पहले set किया गया था, तो फिर उन्होंने and as they do not ready to get rid of it, क्योंकि वो इससे भागना नहीं चाहते थे. वो ये जो जितने भी Europeans हैं, जितने भी imperialistic nations हैं, they are our preset ideals, not only of Africans, ठीक है, they are also ideals of South Asia too, ठीक है, ये हमारे भी प्रीसेट आइडियल्स हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वेलकम देम होल हार्टेडली. और वो फिर क्या करते हैं, दे एक्सप्लॉइट आवर लैंड आवर लेबर. अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि हमारी जो क्रीम है वो सारी बाहर जा रही है. इंटरनेट के ऊपर जितने भी आते हैं कि जी जितने टॉपर्स होते हैं वो आता है कि जी जो टॉपर्स होते हैं उनको वो बाहर ले जाते हैं, और हमारे टॉपर्स यहाँ पे बड़े मजे से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दे आर द प्रीसेट आइडियल्स ऑफ अस. ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं उनको यही होता पढ़ लिख के डॉक्टर बन के हमें बाहर चले जाना, और उनके दिमाग में एक चीज बिठा दी गई है कि पाकिस्तान में तो जॉब्स मिलती नहीं. ठीक है, तो जब आपका गुमान ही ऐसा होगा तो वाकई जॉब्स नहीं मिलेंगे. जब पक्का पता होगा ना पाकिस्तान में ही काम करना है तो फिर नहीं ऐसे होगा. तो दे आर आवर प्रीसेट आइडियल्स. आवर गोल इज कि हमने पढ़ना है और हमने बाहर जाके कारोबार करना, बाहर जाके उन लोगों को पैसा कमा के देना, पाकिस्तान को पैसा कमा के नहीं देना. तो इस वजह से हमारे यहाँ के जो क्रीम है, हमारे यहाँ के जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं रह जाता. तो बाकी जो छोटे मोटे होते हैं डॉक्टर शॉक्टर्स, फिर वो इधर ही रह जाते हैं और पानी है हमारे मरीजों का कबाड़ा हो जाता है. तो ये सारा कुछ होता है. सो द अराइवल ऑफ यूरोपियंस विद देयर क्रिश्चियन रिलीजन
different social values, different attitudes come to have the major and disintegrating effect on Africans, and so the theme of the things fall apart, as well as the cause of clash between tradition and change. नाम ये आपका आज का टॉपिक एंड हो गया. अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन.